दोस्तों जिस दौर में आज हम जी रहे हैं 2022 के साल में, तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो 90s के लोगों के पास नहीं था, कुछ ही चीजों को छोड़कर। और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आज हमारे पास है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 90s के जो बच्चे थे उनके बारे में, और क्या डिफरेंस आया 2022 के बच्चों के बारे में। तो दोस्तों बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय सिंह और आप देख रहे हो मेरा चैनल द निर्भय सिंह। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 90s के बच्चे थे और आज के बच्चों में क्या डिफरेंस आया है। चलिए कुछ पॉइंट्स उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में बांटा है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है प्रिविलेज और दूसरे पे आएगा डिसएडवांटेज। तो प्रिविलेज में 90s के बच्चों के पास क्या था, आपको बता दें कि वो लोग ज़्यादातर उनके जो गेम होते थे खेलने के साथ होते थे वो आउटडोर बेसिस होते थे, इसलिए उनके अंदर स्टेमिना था, वो स्ट्रॉन्ग थे। अगर आप अपने पिताजी की या किसी और बंदे की जो 90s के दशक का है वो आप अगर उसकी 18 साल की फ़ोटोज़ देखोगे और आज के किसी लड़के की 18 साल की फ़ोटोज़ देखोगे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय जो बच्चे थे वो ज़्यादा मोबाइल बेस्ड नहीं थे, वो आउटडोर गेम्स खेलते थे, लोगों के साथ घूमते थे और साइकिलिंग ज़्यादा किया करते थे, इसलिए उनकी जो स्टेमिना था, उनकी बॉडी थी वो फिट थी। खेल से एक फैक्ट ध्यान आता है कि आप देखोगे फुटबॉल जो फीफा वर्ल्ड कप जिसका होता है, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, ये सब गेम पुराने बनाए हुए हैं। अभी क्या है, अभी कोई ऐसा आउटडोर गेम नया नहीं बनाया गया है। बनाया क्या गया, पबजी बनाया गया, फ्री फायर बनाया गया, कैंडी क्रश बनाया गया, ये सब गेम आज फोन पे बन रहे हैं, लेकिन कोई भी आउटडोर गेम अभी हाल ही में इन्वेंट नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं 2022 के बच्चों के पास क्या प्रिविलेज है। तो आपको बता दें आज हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास ऑनलाइन परचेसिंग साइट्स हैं, हमारे पास कुछ भी मंगाना हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो, हमारे पास ये प्रिविलेजेस है, कुछ भी जानना तो हम इंटरनेट का यूज करते हुए उस चीज़ प्रॉपर चीज़ को मंगा सकते हो, उसे पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हमारे पास एक स्मार्टफोन है जिससे हम बात करके कभी भी पुराने लोग चिट्ठी लिखते थे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उस चीज़ को फोन से कॉल लगाया हम बात कर ली, ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास एक प्रिविलेज है। इसको छोड़कर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो 90s के लोगों के पास नहीं था। दोस्तों नंबर दो पर बात करते हैं खेलने के तरीके। तो मैंने पहले ही बताया कि जो 90s के लोग थे वो आउटडोर गेम पर ज़्यादा खेलते थे, जैसे कबड्डी, खो खो, ये क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब चीज़ों पर, कबड्डी, खो खो, ये सब ज़्यादा खेलते थे। लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो क्या खेलते हैं, पबजी, फ्री फायर, कैंडी क्रश, सबवे रन, बहुत सारे गेम्स ऐसे आ गए जो अपने फ़ोन में खेलते हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं उनसे पीछे हटते हुए। नंबर तीन पर आता है एजुकेशन। तो आपको बता दें कि जो 90s के लोग थे उनके पास इतनी अच्छी कोई एजुकेशन की तरीके नहीं थे, उन्हें स्कूल बेस्ड रहना पड़ता था। स्कूल बेस्ड की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके पास ना तो ज़्यादा अच्छी कोचिंग्स थी, वो स्कूल जाते थे, और ना तो उनके पास स्मार्टफोन था, ना उसमें डाउट नेट था कि क्वेश्चन की फ़ोटो खींचोगे और निकल आएगी सोल्यूशन किसी क्वेश्चन का। तो आपको बता दें कि वो लोग ज़्यादातर स्कूल बेस्ड थे, लेकिन 2022 में ऐसा क्या है कि आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास PW जैसे अलग पढ़ने जी का थोड़ा प्लेटफॉर्म अन अकेडमी है, आप कहीं भी आके कोचिंग कर सकते हो, आपके शहर में बहुत सारी कोचिंग खुली हुई है, आप वहाँ पर आके कोचिंग कर सकते हो। आपके पास डाउट नेट है, इसमें सॉल्वर से बहुत सारे ऐप्स हैं जिनसे आप मदद ले सकते हो, लेकिन 90s में ऐसा नहीं था। और आपको इफेक्ट होगा जब जो लोगों ने 90s में अपना इंटर किया होगा तो आप उनसे पूछना कि उनके पास 12th क्लास में सिलेबस कितना होता था, आप बता दें, वो बताएंगे दो किताबें फिजिक्स की, दो किताबें केमिस्ट्री की, दो किताबें मैथ की होती थी, वो भी खूब मोटी मोटी, लेकिन आज उसी चीज़ को कंप्रेस करके खूब छोटी से एनसीईआरटी ने कर दिया है, पार्ट अभी तो आ रहे हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, इन दोनों किताबों को मिलाकर एक किताब भी नहीं बनेगी, ऐसा कर दिया है, तो कहीं ना कहीं सिलेबस भी नीचे आया है हमारे लिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट की, डिसएडवांटेज हमारे लिए कौन कौन से हैं। तो आपको बता दें कि जब वो लोग खेलते थे बाहर तो उनकी बॉडी फिट रहती थी, उन्हें ज़्यादा बीमारियाँ नहीं होती थी, और वो
डॉक्टर बेस्ड नहीं थे बिल्कुल भी। लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग मोबाइल बेस्ड ज़्यादातर हो गए हैं, हमें छोटी छोटी जरूरतों पर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और दवाई लेनी पड़ती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर उतना स्टेमिना है नहीं, हम लोग धूप में बाहर नहीं निकलना चाहते। एक कहीं ना कहीं हमारा जो बॉडी है वो उससे थोड़ा कमज़ोर हो रहा है उनके कंपेरिजन में। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आज हम लोग बॉडी के मामले में उन लोगों से काफ़ी पीछे आते हैं। नंबर दो पर बात करी थी मैंने एजुकेशन की, तो आपको बता दें कि एजुकेशन आज हमारे पास एजुकेशन तो है, लेकिन हमारे पास उतने ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी हैं, ये भी आप मत भूलिएगा। क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हैं, अगर आप अपना फ़ोन खोलोगे तो उसमें इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है और बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिससे हम डिस्ट्रैक्ट होते हो। तो आज हमारे पास, हाँ भले ही इंटरनेट है तो सबको पता है, सबके पास है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे पास आज डिस्ट्रैक्शन मौजूद है। डिस्ट्रैक्शन क्या करते हैं कि आप जब भी हम किसी से भी फोकस करते हैं तो उस चीज़ को प्रॉपर वहाँ पर फोकस नहीं होने दिया जाता, वहाँ पर आपको उसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई और चीज़ दिखा के उस चीज़ को हटा दिया जाता है और वो आप कम नहीं कर पाते हो, इसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। और हमारे अंदर उन लोगों के कंपेरिजन में, 90s के लोगों के कंपेरिजन में पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी आई है। पेशेंस का मतलब धैर्य, आपको बता दें कि पेशेंस की कमी किस कदर आई है, क्योंकि अब हमारे पास हर चीज़ स्क्रॉलिंग की है। आप एक चीज़ देखो कि अब YouTube पर लोग लॉन्ग वीडियो की जगह शॉर्ट वीडियो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस की कमी है, वो 10 से 15 मिनट की भी वीडियो नहीं देख पाते, बल्कि वो शॉर्ट एक अच्छा नहीं लगा तो दूसरा स्क्रॉल कर लिया। ये इसी चीज़ को लैक ऑफ पेशेंस कहते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की मेरी वीडियो, 90s चिल्ड्रन वर्सेस 2022 चिल्ड्रन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम धनरभ सिंह यादव, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।